Hello students, welcome to Shisham School YouTube channel. Today's video is for class 7th SST. Hey, I'm your SST teacher. So let's get started with the remaining part of the second chapter of geography. So further we discuss the rock cycle. One type of rock changes to another type of under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. So जो rocks होती है वो क्या होती है, एक type से दूसरे type में changes होती रहती है cyclic manner में. Cyclic manner यानी कि for example देखिए आपके पास ये है, पहले क्या होता है magma, magma से बनती है igneous rock. उसके बाद फिर वो under pressure में और heat के कारण उसके जो particles हो जाते हैं एक दूसरे से टकरा कर फिर आती है उसकी सेडिमेंट्स रॉक्स, सेडिमेंट्स बनते हैं उससे, फिर बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, देन मेटामोफिक एंड देन अगेन मैग्मा. तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कि वो चीज़ें चेंज होकर वापस से फिर उसी चीज़ पे आ रही है. तो जो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें रॉक एक से दूसरी कंडीशन में या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, एक टाइप से दूसरे टाइप में जब ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पूरे को, रॉक साइकिल. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ होल्ड लिक्विड मटेरियल आइदर इनसाइड द अर्थ और ऑन द अर्थ सरफेस. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous rock and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma which can again cool down and solidify into igneous rock. तो इसमें क्या है, इसमें वही ये पूरा जो रॉक साइकिल है ये बताया गया है कि हमें पता है पहले सबसे पहले क्या होता है, मैग्मा आता है. तो जो मैग्मा क्या होता है वो अर्थ के या तो इनसाइड या फिर अर्थ के सरफेस पे आके कूल डाउन हो जाता है, ठंडा होता है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. तो जब मैग्मा सॉलिड फॉर्म में आता है तो हमारी बनती है इग्नियस रॉक, इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. फिर क्या होता है, जो ये इग्नियस रॉक होती है ये एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़क के चली जाती है या एक दूसरे से टकराती है, तो इनके पार्टिकल्स यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स. और फिर वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेशर से और हवा से पानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर प्रेशराइज होकर इकट्ठा एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. और फिर हीट और प्रेशर से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें या फिर सीधा इग्नियस रॉक में जो चेंजेस आते हैं और उससे क्या बनती है हमारी, मेटामॉर्फिक रॉक. तो जो ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये बनती है इन दोनों में जब प्रेशर और हीट आती है और ये अपनी शेप चेंज करते हैं तब, तो उसी प्रेशर और हीट से जब ज़्यादा हो जाती है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, वो अगेन मैग्मा में यानी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हीट के कारण लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और वापस से क्या बन जाता है, मैग्मा. और फिर मैग्मा ठंडा होकर फिर बन जाती है इग्नियस रॉक. तो ये पूरा क्या है, एक साइकिल है जो चलता रहता है. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. तो जो रॉक्स होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है. इनसे हमारे रोड बनते हैं, हाउसेज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं. यू नो डैट द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. जैसा आपको पता है जो हमारा लाल किला है वो किससे बना है, रेड, जो लाल पत्थर बोलते हैं उसका, वो रेड सैंडस्टोन से बना है. जो ताजमहल है वो हमारा वाइट मार्बल से बना है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सम मिनरल्स सच एज कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूज एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मिनरल्स सच एज आयरन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैगनीज, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा आर यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज.
दे आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो हमारी रॉक्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स से बनती है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, इन्हें इंसान या मैन मेड नहीं होते, ये नेचर में टाइम के साथ अपने आप बनते हैं। इनमें बहुत सारी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होती है। इन मिनरल्स होते हैं, इनकी अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और इनमें अपने अपने जो केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन होती है वो होते हैं कि इसमें इतने परसेंट आयरन है, इतने परसेंट मैग्नीशियम है। तो जो कंपोजिशन होती है वो मिनरल्स की अलग अलग होती है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कोयला है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनको हम क्या करते हैं, इन सारों को हम एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। कोल से आग जलाते हैं तो क्या खाना बनता है, उसमें भी एनर्जी चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका कोल का यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, लाइट भी बनती है। मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैसेज है, तो इन सबको हम एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जैसे आयरन है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट को हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, कॉपर है, मैगनीज है, गोल्ड है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनमें हम इनका यूज करते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए कहते हैं ये मेडिसिन और फर्टिलाइजर, जो कि हम फर्टिलाइजर होता है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, खेतों में डाला जाता है। तो मिनरल्स है उनको हम एनर्जी के रूप में भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर, मेडिसिन या फिर इंडस्ट्री के इनपुट के रूप में भी यूज करते हैं। तो मिनरल्स के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वी डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स हैव फार ग्रेटर इकोनॉमिक वैल्यू देन ऑर्डिनरी रॉक्स। मिनरल्स में बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। तो जो मिनरल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसे में जो इनकी वैल्यू होती है वो रॉक्स से बहुत ज़्यादा होती है। इनको हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया मिनरल्स को। फर्स्ट हमारा मेटेलिक मिनरल्स। दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट्स एंड आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोर्फिक रॉक्स। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड बॉक्साइट एक्सेट्रा आर मेटेलिक मिनरल्स। दे कैन बी मेल्टेड एंड चेंज इनटू वायर्स एंड शीट्स। आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल विच इज़ यूज टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिग मशीन्स। गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। मेटेलिक मिनरल इन देयर क्रूड फॉर्म और कॉल्ड ओर्स। तो मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं? मिनरल्स में जो मेटल कंटेंट होता है उनको हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, जो मेटल की फॉर्म में होते हैं। मेटल की फॉर्म में कौन से होते हैं? जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, ये हमारे मेटल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमें लगभग किस में पाते हैं? इग्निस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन टू टाइप्स की रॉक्स में हमें मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। तो क्या करते हैं, जब इन मिनरल्स को निकालते हैं, इन रॉक में से इनको तोड़ के अलग निकल जाता है आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को, फिर इनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और फिर इनके वायर या शीट बनाई जाती हैं और फिर उन वायर्स और शीट को फर्दर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन से हमें क्या मिलता है, उनसे हम टूल्स बनाते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं। तो आयरन का क्या करते हैं, आयरन को निकालते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसकी शीट बनाते हैं और फिर जो भी चीज़ बनानी है उस चीज़ को हम उससे आसानी से बना सकते हैं। गोल्ड हमारी बहुत ही प्रीसियस मेटल, यानी कि महंगी है, कीमती है, क्योंकि इससे क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे जो ज्वेलरी होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स। तो जो मिनरल हमारे क्रूड फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में वो